सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल टेक अप टू डेट। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 अमेजिंग गेमिंग मॉनिटर्स अंडर द बजट ऑफ 10,000। जी हाँ गाइस, आपको 10,000 के बजट में एक बेस्ट मॉनिटर सजेस्ट करने वाला हूँ जिसमें आप अपने गेमिंग खेल सकते हो या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर जो भी है आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छे मॉनिटर्स रहने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 10,000 में देखने को मिल जाएंगे या फिर 10,000 के नीचे देखने को मिल जाएंगे। सो आप इसे बिल्कुल भी कंसिडर कर सकते हो। और मेरा वॉइस में आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा क्योंकि मैं अपने सेटअप में नहीं हूँ, तो आप थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस ऑसम वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड बाय रोलिंग एन इंट्रो। तो गाइस इस लिस्ट में हमारा पहला मॉनिटर आता है LG की तरफ से। सो इसका मॉडल नंबर है 22MK400H और ये ब्लैक कलर में आता है। इसका फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 22 इंचेस देखने को मिल जाता है और ये डेडिकेटेड गेमिंग मॉनिटर है, मतलब आप इसे गेमिंग में ही मोस्टली यूज़ कर सकते हो। अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, मगर ये डेडिकेटेड गेमिंग के लिए ही बना है क्योंकि इसमें 1ms का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, जिसमें आपको रिस्पॉन्स जो है काफ़ी क्विक देखने को मिलेगा और काफ़ी स्नैपी रहेगा रिस्पॉन्स टाइम इसमें, क्योंकि 1 माइक्रो सेकेंड का होता है। और इसमें जो है 75Hz का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और ये फुल HD है, मतलब आप 1080p में आप इजीली गेमिंग कर सकते हो। और इसमें आपको AMD फ्री सिंक का फीचर भी देखने को मिलता है। अगर आपके पास AMD का प्रोसेसर है तो उसमें आपको एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, आपका गेम जो है और ज़्यादा स्मूथ चलेगा अगर आप इसे टर्न ऑन करके खेलते हैं तो आपको उसमें और एक एडवांटेज देखने को मिल जाता है। और इसमें बहुत HDMI एंड VGA पोर्ट सपोर्ट करता है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। इसका प्राइस है सिर्फ 9,000 रुपीज़। सो इस लिस्ट में हमारा सेकेंड मॉनिटर आता है Acer की तरफ से EK220Q और इसका इंचेस जो है 54.61 सेंटीमीटर है, सॉरी इंचेस नहीं, कुछ अराउंड आपको भी ये 21 इंचेस के आसपास देखने को मिल जाएगा, 22 इंचेस के आसपास देखने को मिल जाएगा। इसके फीचर्स के बारे में बताऊँ तो ये उतना ज़्यादा गेमिंग की तरफ फोकस नहीं है क्योंकि इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम है और इसी प्राइस में जो है काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाई करता है। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 7,800 रुपीज़ है, आपको सिर्फ और सिर्फ 7,800 रुपीज़ में मॉनिटर देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको फीचर्स में बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। 250 nits का आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, जिससे आपको जो है उतना ज़्यादा, मतलब अगर लाइट वगैरह पड़ता है तो आपका डिस्प्ले फिर भी क्लियर ही रहेगा। VA पैनल बैकलाइट LED मॉनिटर है और इसमें आपको आई केयर का भी ऑप्शन मिल जाता है और इसमें ब्लू लाइट है, मतलब वही जो आपको अगर आप रात में वगैरह देखते हो तो आपको जो उतना ज़्यादा आई में स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, सो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। और ये फुल HD पैनल है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा गेमिंग वगैरह में करने में। अगर आपको गेमिंग करना है तो आप फिर भी ये ले सकते हो, मगर आपको इसमें उतना ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेगा, आप इसे वीडियो एडिटिंग या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले सकते हो, काफ़ी अमेजिंग रहेगा अगर आप उस लिए कंसिडर करते हो तो। इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर आता है अगेन हमारा Acer कंपनी की तरफ से, इसका मॉडल नंबर है QG241Y और इसका साइज है 23.8 इंचेस, आसपास 24 इंचेस के है। अगर आपका बजट 9,500 है तो मैं आपको डेफिनेटली कंसिडर करूँगा आप इसी वाले मॉनिटर के पास जाए क्योंकि इसमें आपको जो है 1ms का रिफ्रेश टाइम मिल जाता है और ये टोटली गेमिंग के लिए डेडिकेटेड है। जी हाँ गाइस, आपको स्क्रीन भी बड़ा देखने को मिल जाता है और गेमिंग भी आपको काफ़ी अमेजिंग रहेगा। इसमें आपको जो है 75Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और इसमें आपको 2 HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है, 2 HDMI पोर्ट और 1 VGA पोर्ट, और इसमें AMD फ्री सिंक का ऑप्शन मिल जाता है। Acer के मोस्टली सारे मॉनिटर्स में AMD फ्री सिंक देखने को मिल जाता है और जी सिंक जो है शायद LG में देखने को मिलता है, वो सब कुछ हम बाद में बात करेंगे। AMD फ्री सिंक देखने को मिल जाता है, अगर आपका AMD प्रोसेसर है तो आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है, FPS वगैरह 3-4 FPS आपको बूस्ट हो जाएगा अगर आप AMD फ्री सिंक यूज़ करते हो तो। इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अमेजिंग है और ये जो टोटली गेमिंग वाइब दे देगा अगर आप इसे कंसिडर करते हैं तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर लेना। इसमें हमारा थर्ड पोजीशन पे आता है Lenovo का डी सीरीज तरफ से आने वाला, जिसका मॉडल नंबर है D22E-20। सो इसका जो है काफ़ी अमेजिंग फीचर मुझे यही लगा कि इसमें जो है आपको टिल्ट स्टैंड देखने को मिल जाता है, आप जो है अपने हिसाब से जो है मॉनिटर का स्टैंड को जो है थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हो। और जो इसमें आपको जो है 22 इंच देखने को मिल जाता है और इसमें आपको 16.7 मिलियन कलर्स, मतलब आप देख सकते हो अगर आप एडिटिंग करना, अगर आप डेडिकेटेड एडिटिंग के लिए लेना चाहते हो तो मैं आपको यही वाला कंसिडर करूँगा। इसमें आपको काफ़ी अमेजिंग कलर्स देखने को मिल जाएंगे और इसमें भी आपको AMD फ्रीसिंग देखने को मिल जाएगा, मगर आपको इसमें 4ms का रेस्पॉन्स टाइम देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा 1ms और 4ms में कुछ भी आपको जो है विजिबल चेंजेस तो नहीं देखने को मिलेंगे, बस ऐसे ही ये पेपर वर्क की तरह होता है, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपको वेसा माउंट भी मिलता है, सो ये जो है आपको काफ़ी अमेजिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है, तो अगर आप एडिटिंग के लिए डेडिकेटेड लेना चाहते हो तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। सो अब जो मॉनिटर के ऊपर बात करने वाले हैं ये जो है टोटली लुक्स के पर बेस्ड है। अगर आपका जो है वाइड सेटअप है या फिर आप ऐसा मॉनिटर ढूंढ रहे हो जिसमें काफ़ी अमेजिंग लुक आपके सेटअप को देना चाहता है तो आप डेफिनेटली इस मॉनिटर को कंसिडर कर सकते हो। सो इसका नाम है Acer और मॉडल नंबर है HA220Q
और ये मॉनिटर वन ऑफ दी बेस्ट स्टाइलिश मॉनिटर्स में से एक है, क्योंकि जो है इसका डिज़ाइन काफ़ी अमेजिंग है और इसका कलर देखिए, कलर कॉन्ट्रास्ट जो है काफ़ी अमेजिंग है इसका। इसका प्राइस जो है डेफिनेटली 10,300 है, मतलब 300 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देना होगा बजट से। मगर अगर आप जो है टोटली स्टाइल या फिर आपको जो है मतलब डेकोरेटिव करना चाहते हो आपके सेटअप को, तो ये मॉनिटर आप इसे कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपके पास वाइट बेस्ड है सब कुछ सेटअप से, मैं फॉर एग्जांपल वाइट सीपीयू हो गया, वाइट कीबोर्ड माउस वगैरह हो गया, अगर आप मॉनिटर वाइट कलर में ढूंढ रहे हो तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। काफ़ी अमेजिंग मॉनिटर है और इसमें भी आपको ऐसे करके फीचर्स भी मिल जाते हैं, AMD फ्री सिंक मिल जाता है और ये 21.5 इंच का मॉनिटर है और इसमें जो है फ्रेमलेस डिज़ाइन है, मतलब जो बेजल्स जो है काफ़ी ज़्यादा पतला होंगे, मतलब लिटरली माइन्यूट होंगे, बस नीचे ही थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाएगा बेजल्स, क्योंकि उनका ब्रांडिंग किया गया है वहाँ पे, तो बाकी जगह से आपको जो है काफ़ी कम बेजल्स देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को जाकर लाइक कर दीजिए। अगर आप इन सारे प्रोडक्ट्स को परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं ऐसे अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और कैसे मैं मिलूंगा इसी एक अमेजिंग वीडियो के साथ, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। We'll be right back.